नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। जो आज की मेरी वीडियो का टाइटल है वो है कि एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाली हूँ जिससे लगाकर आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, यानी कि अपनी अट्रैक्शन पावर बढ़ा सकते हैं, लोगों को अपनी अट्रैक्शन पावर दिखा सकते हैं जिससे कि लोग आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस होंगे और अट्रैक्ट होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को कमेंट्स में कही एस्ट्रोबानी और साथ में नंबर से कई कमेंट आए होंगे कि इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। आईडी भी एस्ट्रोबानी की ही होगी, तो किसी ने फेक आईडी बनाई है और साथ में नंबर लिखा है कि इस पर आप कॉन्टैक्ट करें, तो उस पर आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा क्योंकि वो फेक आईडी है। हमारे द्वारा अभी तक कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, जब भी दिया जाएगा तो मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। जब तक हम वीडियो में नहीं बताते हैं नंबर, तब तक प्लीज़ कहीं पर भी आप कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा क्योंकि वो पूरी तरह से फेक है, वो हमारे से उनका कोई भी लिंक नहीं है। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आजकल का जो समय है, हर व्यक्ति अपनी अट्रैक्शन पावर बढ़ाना चाहता है, अपने आप को आकर्षित दिखाना चाहता है, आकर्षित साबित करना चाहता है सबकी नज़र में, चाहे वो लड़का है। देखिए, ये एक कॉमन सी बात होती है कि अगर कोई लड़का है तो वो लड़कियों के बीच अपनी अट्रैक्शन पावर बढ़ाना चाहता है, और अगर कोई लड़की है वो लड़कों के बीच अट्रैक्शन पावर बढ़ाना चाहती है, या फ्रेंड सर्कल में अट्रैक्शन पावर बढ़ाना चाहते हैं। अट्रैक्शन पावर बढ़ाना सिर्फ यंगस्टर ही नहीं चाहते, कई बड़े उम्र के लोग भी चाहते हैं कि अगर वो किसी ग्रुप में हैं, किसी रिलेटिव्स में हैं, तो उनका प्रभाव लोगों पर बहुत बढ़िया पड़े, लोग उनकी ही बातें करें, उनकी ही चर्चा करें कि ये मतलब इनसे मिलिए या ये देखिए, इनकी बातें सुनिए, या वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहते हैं। वो हर किसी में ये चीज़ होती है, चाहे वो यंग हो चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी भी हो, वो ये चीज़ चाहते हैं कि अट्रैक्शन पावर उनकी जो है वो सभी के बीच बरकरार बनी रहे और बढ़ती ही रहे, लोग उनकी ही चर्चा उनकी ही बातें करते रहें। तो अगर आप चाहते हैं अपने लव लाइफ में भी अट्रैक्शन पावर बढ़ाना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में भी अगर आप चाहते हैं कि आपको अट्रैक्शन पावर बढ़ानी है, आपको अपना आकर्षित मतलब नेचर बढ़ाना है, या अगर आप कपल हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने अट्रैक्शन पावर बढ़ाना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं लेकिन आप चाहते हैं कि लड़कियों के बीच या फ्रेंड सर्कल के बीच मेरा अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़िया बन जाए, तो आप क्या करें, तो वो आपको बताऊंगी। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको बता रहे हैं ये चीज़ आप करिए, तो कोई भी गलत नीयत से आपने नहीं करनी है कि अगर आप कहें कि लड़कियों के बीच मुझे अट्रैक्शन पावर बढ़ानी है, लेकिन आपकी सोच, आपकी नीयत बहुत गलत है, आपने गलत नीयत से अट्रैक्शन पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको ही देखने मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी गलत काम से या गलत नीयत से कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आपकी सोच पीछे से उसकी गलत है, तो आप कभी भी उसमें ना तो कामयाब ही नहीं होंगे पहली बात, और दूसरी बात अगर आप कामयाब हो भी गए तो थोड़े समय के लिए ही होंगे, और उसके बाद आपको आपकी इस गलती का बहुत लंबा और बहुत बुरा तरीके से पछतावा होगा, क्योंकि ये आपको रिज़ल्ट बहुत बहुत बुरा देगा। तो कभी भी ऐसी कोई चीज़ करनी हो, एक पॉजिटिव माइंड से, ऐसे माइंड से कि हम आपने सबके बीच अट्रैक्शन पैदा करनी है, आप ऐसा चाहते हैं कि सेंटर ऑफ पॉइंट आप हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हो, सब आपकी तारीफ़ करें, आपकी बातें करें, या आपसे फ्रेंडशिप करें, इस मोटिव से अगर आप चाहते हैं, पति पत्नी आपस में उनका प्यार ख़त्म हो गया है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। या अगर आप थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, आप चाहते हैं रिलेटिव में, फ्रेंड्स में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हो, आपकी बातें हो, आपकी तारीफ़ है, लोग आपसे फ्रेंडशिप करें, आपसे ज़्यादा मेल मिलाप बढ़े, तो आप ये चीज़ करें। अगर ऑफिस स्टाफ में हैं, अगर कहीं काम करते हैं, आप चाहते हैं कि जो ध्यान है आपकी तरफ ज़्यादा रहे, जो अट्रैक्शन पावर है, जो इम्प्रेसिव पावर है आपकी तरफ ज़्यादा रहे, कि मतलब आपसे लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस हो, आपके काम से, आपकी बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से, बहुत मतलब आपसे पर्सनैलिटी से, हर तरीके से आपसे वो प्रभावित हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, तो आपने ये चीज़ करनी है कि ओवरऑल आपसे लोग इम्प्रेस हो, आपसे लोग प्रभावित हो, इतनी अपने अंदर पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, इतनी अपने अंदर ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है कि लोग आपसे प्रभावित हो, इतनी अपने अंदर आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना है, आकर्षित अपने आप को, अपनी बातों को, अपने लुक को, हर चीज़ को बनाना है। तो वो चीज़ कैसे होगी वो आपको बताती हूँ।
इसके लिए आपका शुक्र ग्रह, आपका चंद्रमा और आपका गुरु ग्रह मजबूत होना ज़रूरी है। अगर आपके ये तीनों चीज़ बिल्कुल हाई पे है, बिल्कुल मजबूत है, तो आपकी अट्रैक्शन पावर, आपकी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया है। आपको कुछ भी और करने की, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों ग्रह आपके इतने मजबूत हैं कि लोग आपसे ऑटोमेटिकली इम्प्रेस होंगे, ऑटोमेटिकली आपसे बात करने आएंगे, ऑटोमेटिकली आपसे फ्रेंडशिप करेंगे। कहीं काम पर है तो ऑटोमेटिकली आपसे लोग इम्प्रेस होंगे, कुछ आपका अपना काम है तो कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होंगे, फ्रेंडशिप आपकी अच्छी होगी, लव लाइफ, लड़कियां आपके पास आएंगी फ्रेंडशिप करने, आपकी बातों से अट्रैक्ट होगी, आप लड़की हैं तो लड़के आपसे फ्रेंडशिप करने आएंगे, आपकी बातों से अट्रैक्ट होंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप होंगे, चाहे आप यंग एज में हैं या आप बड़ी एज में हैं, या आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं या आप कहीं काम कर रहे हैं, पूरा ओवरऑल जो चीज़ होगी आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया आ जाएगी, आप आकर्षित दिखने लग जाएंगे, आकर्षित बातें करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, क्योंकि आपका चंद्र, क्योंकि आपका शुक्र, क्योंकि आपका गुरु ग्रह बेहद मजबूत है। गुरु ग्रह आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बढ़िया रूप से प्रभावित करता है। चंद्र ग्रह आपको खूबसूरती, दिमाग, आकर्षक लुक देता है, और शुक्र ग्रह भी आपको खूबसूरती, आकर्षक लुक देता है। इसके साथ साथ बहुत बढ़िया दिमाग की चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। अब बताती हूँ आपने करना क्या है। आपने करना है थोड़ा सा डेली, देखिए किसी भी दिन से शुरू हो सकते हैं, थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी और एक चावल का पाउडर मिल जाता है, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर आपने इसका टीका लगाना है रोज़। चंदन आपके शुक्र के लिए, जो चावल का पाउडर होगा वो आपके चंद्रमा के लिए, और हल्दी आपके गुरु ग्रह के लिए, इन तीनों को मिक्स करके इसका आपने छोटा सा टीका, चाहे वो लड़की चाहे वो लड़का है, मैन, जेंट्स, लेडीज जो भी हैं, आपने लगा कर जाना है डेली। बाहर निकलना है, काम पर जाना है या घर पे रहना है या कहीं पे भी जाना है, हल्का सा टीका लगा कर जाना है और सुबह के वक्त लगाना है। इसके साथ साथ जब भी बाहर निकलना है, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, तो परफ्यूम का नहीं, इत्र का इस्तेमाल करना है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपने रोज़ का इत्र यानी कि गुलाब का इत्र का इस्तेमाल करना है। गुलाब के इत्र से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, खास करके जिसको आप पसंद करते हैं, कोई लव रिलेशनशिप है आपका, तो आपसे बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट होगा, बहुत जल्दी वो इम्प्रेस होगा, आपकी बातें अच्छी लगने लग जाएगी, आपको पसंद करने लग जाएगा। तो रोज़ का इत्र ज़रूर चीज़ ये यूज़ करें, और चंदन, हल्दी और जो चावल का पाउडर, इन तीनों चीज़ों को अगर आप टीका लगाते हैं, इन तीनों चीज़ों का, तीनों ग्रहों को तेज़ करने के लिए, तो इससे आप सभी का अपनी तरफ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, सभी का अट्रैक्शन पा सकते हैं, सभी को इम्प्रेस कर सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप अपने आप को ला सकते हैं कुछ ही दिनों में। तो ये चीज़ आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, चाहे कल से शुरू कर लीजिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें जब भी लगानी है तो नहा धोकर सुबह के वक्त ही लगानी है, ना दोपहर को, ना शाम को, ना रात को, ये चीज़ आपने सुबह के वक्त लगानी है। तो ये आपको बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, 101% आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे आप चाहते हो कि लोग मेरे से इम्प्रेस हो, जैसा आप चाहते हो कि लोग मेरे से बात करें, जैसा आप चाहते हो कि लोग मेरे तरफ ध्यान दें, वो चीज़ें आपकी होने लग जाएंगी। तो ये चीज़ आपने करनी है, आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपको आपका रिजल्ट, आपको आपके तरीके का रिजल्ट, लव लाइफ का, आपके चाहने वालों का जो रिज़ल्ट होगा, आप मतलब आपकी तरफ, आपके ज़रिए जो बात की जाएगी वो बहुत ही बढ़िया की जाएगी, आपको थोड़े ही दिनों में इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।